ये देखें, ये हाल हो गया बेचारे मेरे मॉन्स्टर का। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आंखें इसकी दोनों बंद है, आंखें ये खोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? हमारा चैनल देख रहे हैं घर के पिंदे। तो जनाबे अली, आज बड़ा काम ख़राब हो गया है, बड़ी सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ ये है कि ना दिल्ली ख़राब हुआ है सुबह सुबह। ये है जी हमारा कोबरा, ये खुला हुआ था रात हसब ममूल। अगर इस कोबरा ने देखे जी क्या काम किया, इसको तो कुछ नहीं हो रहा, और इसने हमारे मुर्गे का सत्यानाश कर दिया। ये हमारा मॉन्स्टर बेचारा, मॉन्स्टर मुझे लगता है बस अपना आखिरी दम पे ही है। ये हमारा मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर बेचारा एंड हो गया है। दोनों आंखें लगता मुझे इसकी चली गई हैं, और जो है ना ये टांगों से भी खड़ा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि इनके शोर के, लड़ने के शोर की वजह से मैं उठाऊँ तो वो देखा, वो नीचे बेसन के पास ही दोनों लड़ रहे थे। अब मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही, उधर नीचे गिरे हुए थे, और ये भाई साहब ये इसके सर के ऊपर खड़ा हुआ था, ठीक है, और वो मॉन्स्टर बेचारा पैरों के बाहर नीचे बैठा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या। इसको उठा के लाया हूँ ऊपर, तो मॉन्स्टर जो है वो उसकी मुझे लगता है दोनों आंखें भी खराब हो गई, और जो है ना ऊपर से गिरे हैं मेरे ख्याल में ये लड़ते लड़ते, इधर से कहीं से जंप लेते हुए नीचे गिरे हैं। नीचे गिरे हैं तो उसको चोट भी आई है, जिसकी वजह से वो पाँव को खड़ा ही नहीं हो रहा। बड़ी टेंशन में हो गए मैं सुबह सुबह। दिखाते हैं उसको खोल के आप उसकी हालत। ये देखें जी, ये हाल हो गया बेचारे मेरे मॉन्स्टर का। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आंखें इसकी दोनों बंद है, आंखें ये खोल नहीं रहा, पैरों पे ये खड़ा नहीं हो रहा। हो सकता है कि ये ऊपर से लड़ते लड़ते नीचे गिरे हों दोनों, क्योंकि वो तो जवान है, ये बूढ़ा है। इसकी एज है कुछ 4-4.5 साल, और वो है 1.5-2 साल का। तो उसके बाद वज़न में भी ये ज़्यादा है, वो वज़न में भी कम है, तो उसने इसको खूब मारा है। ऊपर से ये गिर गया नीचे, इसके लगता है कहीं चोट वगैरह लगी है, क्योंकि ये खड़ा ही नहीं हो रहा बेचारा। ये देखिए, इसको मैं हाथ लाता हूँ तो ये फिर भी जो है ना वो खड़ा नहीं होता, और आंखें दोनों खोल नहीं रहा है। तो इस वजह से ना मुझे तो बहुत टेंशन हो गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। बाकी देखते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं एक आधा दिन। अगर तो ये पैरों पर खड़ा हो गया, आँखें इसने खोल ली तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक, क्या किया जा सकता। जो नुकसान होना था वो तो हो गया, ये देखें जो नुकसान होना था वो तो गया हो। अब बाकी जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है, अब क्या हुआ है इनके साथ, क्या नहीं हुआ, हुआ तो क्या है, कुछ भी नहीं। ये बेचारे लड़ते हुए गिरे हैं नीचे, छत के ऊपर से नीचे सेन में गिरे हैं, पक्के फर्श के ऊपर। तो अरे यार चार बहुत ही ना तकलीफ में है। इसकी फ़िलहाल फेस फूस मैंने साफ़ कर दिया, बस यार फेस शेस इसका मैंने साफ़ कर दिया, फेस साफ़ करके इसको मेडिसिन वगैरह दे दी हुई है। तो अब देखते हैं क्या बनता है, नहीं तो ये देखे ना ये बेचारा ऐसे लेट जाता है, क्या करूँ मेरी समझ में कुछ नहीं। चलें जी दोस्तों भाई, ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही था कि परिंदों का ख्याल किया करें, बस ये खुले ना गैर मौजूदगी में, मौजूदगी में खुल जाए तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि बंदा इनके ऊपर सर के ऊपर होता है, बंदा इनको लड़ने नहीं देता। बड़ा लड़ाई का नतीजा एंड ये है, अब ये बेचारा पैरों पे भी नहीं खड़ा हो रहा है। तो इनका ख्याल रखा करें, ये इसकी मादी है बेचारी, ये भी इसके पास आ गई, पता करने के क्या हो गया इसको, अल्लाह मालिक है। ठीक हो गया जी नाज़रीन, परिंदों का ख्याल रखें।
दुआओं में याद रखें।